नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी चुनाव में बीजेपी की मुश्किलों के संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को फिर से मैदान में कूदने जा रहे हैं। 7 फरवरी को उनकी बिजनौर में रैली होगी, जिसे आसपास के जिलों में भी प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी की जन चौपाल एक हाइब्रिड रैली होगी, जिसमें दर्शकों में 1000 लोग मौजूद होंगे और बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट में शामिल होंगे। पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर मंच पर मौजूद रहेंगे। रैली का एक ही हाइब्रिड प्रारूप 3 जिलों की 18 विधानसभाओं को कवर करेगा। अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर रैली की वर्चुअल स्क्रीनिंग 3 जिलों के 6,892 बूथों पर की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अगवानी करने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचे हैं। हाल फिलहाल में ये दूसरा मौका है जब पीएम किसी राज्य में गए हों और वहां के मुख्यमंत्री उनके स्वागत में ना गए हों। इससे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी नहीं गए हैं। बता दें, कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने पीएम मोदी पर उनकी चुनावी पोशाकों को लेकर हमला बोला था। साथ ही कहा था कि वो बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ ही बजट की भी कड़ी निंदा की थी। वहीं तेलंगाना बीजेपी ने सीएम KCR द्वारा एयरपोर्ट वेलकम प्रोटोकॉल तोड़ने को मूर्खतापूर्ण और शर्मनाक करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि KCR नियमित रूप से संविधान का अपमान कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव अभियान को तेज करने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे। राहुल ने उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद नाम से आयोजित कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि किसान आंदोलन ने सत्ताधारी अहंकारियों के अहंकार को चूर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान एक साल तक ठंड में और कोरोना के संकट के दौरान सड़क पर खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, लेकिन आज के हिंदुस्तान में राजा है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी दो नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में न्याय होना चाहिए। मनमोहन सिंह के समय सरकार व किसानों के बीच पार्टनरशिप थी, इसलिए उस समय को गोल्डन टाइम कहा जाता है। इसके साथ ही राहुल ने किसानों से कहा कि जो आपने हमसे कहा था उसे कांग्रेस ने करके दिखाया था। 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया गया था। हम जानते हैं कि आपके बिना ये देश भूखा रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने इस दौरान ये भी कहा कि किसानों पर जो भी झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में 10 फरवरी से दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। अदालत आज से मामले की सुनवाई शुरू करने वाली थी, लेकिन शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से ये कहते हुए इसे स्थगित करने का अनुरोध किया कि उसका मुवक्किल किसी निजी कारण से शहर से बाहर है। वहीं राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत फिर भी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई टाल दी गई। बता दें, 2014 में राहुल गांधी के एक भाषण को आधार बनाकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान कहा कि राज्य में एक माई फैक्टर की जगह दूसरे माई फैक्टर ने ले ली है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में पहले मुस्लिम यादव फैक्टर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जगह मोदी योगी फैक्टर ने ले ली है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस का सिंडिकेट चल रहा है। कर्नाटक में हिजाब के विरोध में कुछ स्कूल कॉलेजों में भगवा शॉल और स्कार्फ पहनकर कुछ छात्र और छात्राएं भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको गेट पर रोक दिया। हालांकि इससे पहले यहां की छात्राएं स्कूल कॉलेज में भगवा स्कार्फ पहनकर कभी नहीं आई थीं, लेकिन हिजाब विवाद के बाद ये नौबत आई है। समझा जाता है कि कुछ हिंदू संगठनों के उकसावे पर उन छात्राओं ने भगवा स्कार्फ पहना। इससे हिजाब पर टकराव बढ़ रहा है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में ना तो हिजाब पहना जाना चाहिए और ना ही भगवा शॉल। उधर कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में तालिबानीकरण नहीं होने देगी। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी।
राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के मौके पर ट्वीट कर लिखा है कि छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े लाकर हम भारत की बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेदभाव नहीं करती है। बता दें कर्नाटक के उडुपी में जूनियर कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। वह बीते एक महीने से मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके डॉक्टर प्रतीश समधानी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी हालत नाजुक है। 92 साल की लता मंगेशकर को बीते हफ्ते वेंटिलेटर से हटा लिया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद एक बार फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। बीते महीने वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया था। लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित कई नामी अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के हजारों लाखों समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब के विरोध में कुछ स्कूल कॉलेजों में भगवा शॉल और स्कार्फ पहनकर कुछ छात्र और छात्राएं भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको गेट पर रोक दिया। हालांकि इससे पहले यहां की छात्राएं स्कूल कॉलेज में भगवा स्कार्फ पहनकर कभी नहीं आई थीं, लेकिन हिजाब विवाद के बाद ये नौबत आई है। समझा जाता है कि कुछ हिंदू संगठनों के उकसावे पर उन छात्राओं ने भगवा स्कार्फ पहना, इससे हिजाब पर टकराव बढ़ रहा है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में ना तो हिजाब पहना जाना चाहिए और ना ही भगवा शॉल। उधर कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में तालिबानीकरण नहीं होने देगी। पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और सांसद मनीष तिवारी को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा बिहार से आने वाली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को जगह मिली है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के लिए लंबे वक्त तक काम कर चुके गुलाम नबी आजाद के साथ ही पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से सांसद मनीष तिवारी को पार्टी ने इस सूची में शामिल नहीं किया है। बता दें गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 का हिस्सा हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद मनीष तिवारी ने कहा कि ये मुझे आश्चर्य होता अगर इसका उल्टा होता, यानी कि लिस्ट में नाम होता। मनीष तिवारी ने कहा कि इसका कारण काफी समय से एक सार्वजनिक रहा है, कोई छुपा हुआ नहीं है। मनीष तिवारी ने यह बात कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी, जो कि पिछले साल ममता बनर्जी की TMC में शामिल हुए थे, के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा। मुखर्जी ने इसे पंजाब में दुखद स्थिति बताया और कहा कि यह पंजाब कांग्रेस में दुखद स्थिति है, क्योंकि उन्होंने एक प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पंजाब के सांसद और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को भी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया है। उन्होंने लिखा, इस तरह की संकीर्ण सोच वाले कदम कांग्रेस को चुनाव जीतने में कभी मदद नहीं करेंगे। इसी के जवाब में मनीष तिवारी ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने आज कहा कि शहर में 3% तलाक का कारण मुंबई का ट्रैफिक है। वह पत्रकारों से देश की आर्थिक राजधानी में सड़कों और यातायात की स्थिति के बारे में बात कर रही थी। अमृता फडणवीस ने कहा कि वो सड़कों पर गड्ढों और यातायात में फंसने से व्यक्तिगत रूप से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि मैं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हूं, मैं आपसे एक महिला के रूप में बात कर रही हूं। मैंने सड़कों और गड्ढों पर यातायात का अनुभव किया है और वे हमें कैसे परेशान करते हैं। बीजेपी नेता अमृता ने कहा कि मुंबई में तो 3% तलाक सिर्फ यहाँ के ट्रैफिक के कारण होते हैं। उनके इस दावे पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता फडणवीस का नाम लिए बिना उनके बयान पर कटाक्ष किया और इसे दिन का सर्वश्रेष्ठ तर्क करार दिया। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।